हफ्ता पहले हमारे बल्लभगढ़ मंडल के अंदर हमारे नोटिस में जब इंक्वायरी के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के अंदर जो एप्लीकेशन डाले थे वो एप्लीकेशन इंक्वायरी के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमारे इंक्वायरी ऑफिसर को पेरेंट्स के नाम पूछने के बाद ये मालूम पड़ा कि पेरेंट्स के नाम अलग हैं। तो हमारे एप्लीकेशन के साथ वेरीफाई करे और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नाम जो सबमिट करे वो नाम अलग है और जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं उनके नाम अलग है। तो हमारे लोग ये मेरे नोटिस में लाए, तो हम लोग उनको एप्लीकेंट को बुलाने के बाद इंक्वायरी में ये मालूम पड़ा कि वो लोग एप्लीकेशन ही नहीं डाले। द फैक्ट इज़ वो लोग एप्लीकेशन लेके एक मी सेवा सेंटर ऑनलाइन सेंटर को गए, जाने के बाद ये एप्लीकेशन दिए, तो विजयवाड़े में शादी होने की वजह से आप लोगों को ये नहीं आता, कल्याण लक्ष्मी में आप एलिजिबल नहीं होते और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता। तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वापस चले गए। तो ये जिसके पास जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे ऑनलाइन सेंटर या मी सेवा सेंटर, वो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके उसको फैब्रिकेट करके दूसरों के नाम पे जो आधार था उसके अंदर ये लड़की का नाम इंक्लूड करके और कास्ट सर्टिफिकेट भी उसके नाम पे जो प्रीवियस सर्टिफिकेट है वो लेके इसके नाम पे जो एससी सर्टिफिकेट लेके एप्लीकेशन डाल के और उसके अंदर जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है मदर वो भी दूसरों का है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी जिसके फैमिली में इनके नाम एंट्री करे वो डिटेल्स उसके अंदर डाल के बैंक अकाउंट नंबर भी दूसरों का दे दिए। तो ये पूरे हमारे इंक्वायरी में मालूम पड़ने के बाद हम लोग फलकनुमा पीएस में एक एफआईआर लॉन्च करे और इंक्वायरी में ये मालूम पड़ा कि ये मी सेवा सेंटर का टोकन जो है वो टोकन ये ऑनलाइन सेंटर में यूज़ करते हुए ये फ्रॉड किया गया। तो हम लोग आज पूरे मी सेवा सेंटर्स वालों को यहाँ पर बुला के मीटिंग लिए और हमारे लोकल कॉरपोरेटर्स को भी इन्वॉल्व करें। किस लिए इन्वॉल्व करें, वो लोकल में जो भी अगर ऐसे केसेस चल रहे तो हमारे नोटिस में अगर आए तो हम लोग लोकल ऑनलाइन सेंटर्स को भी क्लोज कराएंगे और जो एप्लीकेंट है उनसे हम लोग डायरेक्टली ये गुजारिश कर रहे, आपका अगर एप्लीकेशन कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक का है आप लोग मी सेवा सेंटर जाइए, वहाँ पर जो फ़ी मी सेवा सेंटर का फ़ी ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता और डॉक्यूमेंट जेरोक्स के लिए जो जेरोक्स का खर्चा होता वही खर्चा आप लोगों को देना पड़ता, और एप्लीकेशन ऑनलाइन कराने के बाद आप डायरेक्ट हमारे पास इनवर्ड में सबमिट फाइल सबमिट कर दे सकते, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है तो हमारे लोग इमीडिएटली आपको इंटीमेशन देते और विद इन 30 डेज आपका एप्लीकेशन अगर हमारे पास प्रोसेस नहीं हुआ तो डायरेक्ट आके मेरे पास मिल सकते। मैडम एक लास्ट सवाल है आपसे कि जो 20,000 रुपये 10,000 रुपये का जो डिमांड करते हैं कि जो ब्रोकर के थ्रू वहाँ जहाँ पर जाने के बाद बोलते थे 20,000 दिए तो आपकी फाइल बोलते थे हम पास कराते नहीं तो आपकी फाइल कैंसिल हो जाती बोलते, डायरेक्ट इसमें रुझू होना तो किसने किससे राइट होना? मैं इसीलिए पब्लिक आवाम से इसीलिए डायरेक्ट मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ, आपका एप्लीकेशन आप मी सेवा में ऑनलाइन करके हमारे पास इनवर्ड में डालने के बाद इनवर्ड में ही हमारे इनवर्ड सेक्शन में पूरे डॉक्यूमेंट्स है नहीं है वेरीफाई करा के अगर कुछ भी कमी है तो हमारे लोग उधर का उधर बोल देते ये डॉक्यूमेंट नहीं है ये ला लो। तो आपके पास एप्लीकेशन डालने के बाद 30 डेज है, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट 2-3 दिन के अंदर ला के सबमिट कर दिए तो हम लोग मैक्सिमम 15 डेज के अंदर उसका इंक्वायरी कर देते। इधर क्या हो रहा हमारे पास, हम लोग रिव्यू जब कर रहे 30 डेज एंड बियॉन्ड जा रहे थोड़े एप्लीकेशन, हम लोग फ़ोन कर रहे तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, कई नंबर्स किसी और के आ रहे उसके अंदर वो फैमिली का नहीं आ रहा,
इसका मतलब जो एंट्री हो रहा रॉन्ग नंबर्स फोन नंबर्स एंट्री हो रहे, ये जानबूझ के कर रहे, किस लिए कर रहे हमको नहीं मालूम, इसलिए हम लोग ये एप्लीकेशंस को विद इन टाइम प्रोसेस नहीं कर सक रहे। तो मैं पब्लिक से ये गुजारिश करती हूँ, आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करते ही वो जेन्युइन है बोगस है वो हमारी इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा, आप एलिजिबल है इनएलिजिबल है वो भी इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। पहले ही आप आके हमारे पास एप्लीकेशन इनवर्ड में डालने के बाद हमारे लोग ही उसको वेरीफाई करके, डॉक्यूमेंट्स कम ही है तो बोल देंगे वो डॉक्यूमेंट लाके सबमिट करना। दूर के रिलेटिव होते, हमारे कज़िन होते, वो लोग खुद बोल रहे, जो एप्लीकेंट है वो लोग खुद बोल रहे हम लोग इनको दिए उनको दिए, उनको क्यों दिए, नहीं वो हमारे दूर के कज़िन होते। तो अगर एप्लीकेशन डाले तो एप्लीकेशन हमारे पास पे टाइम पे आना ना, टाइम पे क्यों नहीं आ रहा, आप लोग किसी और को दे दे रहे, वो लोग इधर 30 डेज में 60 डेज, हमारे पास 2-3 फाइल जो बियॉन्ड 60 डेज है वो फिजिकल एप्लीकेशन ही नहीं आया हमारे पास। तो मैडम खास करके बोलते तो ओल्ड सिटी में तेलंगाना में पूरा कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक के पैसे दे रहे, खास करके ओल्ड सिटी में बोलते तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हो रहे, लेकिन 1 लाख रुपए मिल रहे हमारे को 20,000-30,000 देने में क्या फ़र्क पड़ रहा बोल के लोग दे दे रहे, इसके से आप लोग कोई भी इसका तो एक टीम तैयार करेंगे कि नहीं। अब मैं क्या है, ये जितना भी हो रहे ऑनलाइन सेंटर्स इंटरनेट सेंटर्स में हो रहे, क्या है हम लोग ई सेवा सेंटर्स पर निगरानी रखते और रेगुलर हम लोग वेरिफिकेशन रहता और हमको वो आईडी से भी हम लोग पहचान सकते कि ये मी सेवा में हुआ ऑनलाइन या कहीं और हुआ। तो मी सेवा है तो हम लोग इमीडिएटली उनको बुला के उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करके एक्शन लेते, लेकिन जब ऑनलाइन सेंटर्स में हो रहा ये हमारे नोटिस में नहीं आ रहा, इसीलिए आज के मीटिंग में हम लोग कौन से ऑनलाइन सेंटर्स पर कंप्लेंट्स है, कौन से ऑनलाइन सेंटर्स में ऐसे इश्यूज़ चल रहे वो पूरे हम लोग लिस्ट बना लिए और हम लोग उस पर सरप्राइज रेड्स करेंगे और वो लोगों के ऊपर हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे। लेकिन जब तक पब्लिक के एटीट्यूड में चेंज नहीं आती, नहीं जाने दो 10,000 दिए तो काम जल्दी हो जाता, हम लोग फाइल पेंडिंग रखते किधर, हम लोग जितना जल्दी हमारे पास फाइल आता है उतना जल्दी हम लोग उसका इंक्वायरी करके क्लोज करते, जब तक फिजिकल फाइल ही हमारे पास नहीं आता तो इंक्वायरी कैसा करेंगे। मैडम आपसे आखिरी सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर कोई शादी मुबारक या कराने स्कीम में है, हेल्प के लिए आप बता दीजिए एक मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए शादी मुबारक के लिए और कल्याण लक्ष्मी के लिए। आधार कार्ड, लड़का लड़की दोनों के माँ बाप और राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि ये ओनली बीसी एससी या एसटी को मिलता, ऐसे भी थोड़े लोगों को जानकारी नहीं है, अगर अदर कास्ट भी है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है तो उनको भी ये फैसिलिटी। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप, हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है, हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं, हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933985041120। हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।